पाकिस्तान की पुलिस ने अपने ही देश की सेना पर बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जहां की पुलिस ने अपनी ही सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जिस देश की पुलिस, सेना और आईएसआई आपस में लड़ रही हैं, उस देश का क्या होगा वो आप जानते हैं। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान की सेना पुलिस को मरवा रही है और जब पुलिस को मौका मिलता है तो वो पाकिस्तानी सैनिकों को मरवा रहे हैं। ये खबर आपके होश उड़ा देगी। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ऐतिहासिक जंग चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में पुलिस ने सेना के खिलाफ बगावत कर दी है। पुलिस का आरोप है कि सेना और आईएसआई के लोग उनके काम में दखल दे रहे हैं, लेकिन ये असली वजह नहीं है। असली वजह जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गढ़ है। पाकिस्तान का ये प्रांत अफगानिस्तान से लगता है। अफगानिस्तान और TTP दोनों चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए, मगर अफगानिस्तान और TTP के बीच पाकिस्तान की सेना और ISI बहुत बड़ा अड़ंगा है। पाकिस्तान की सेना और ISI जब जब खैबर पख्तूनख्वा में TTP के खिलाफ एक्शन लेती है, उसका सबसे बुरा असर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस वालों पर पड़ता है। TTP पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन का बदला पुलिस वालों से निकालती है। TTP ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पिछले 2 सालों में 1000 से भी ज्यादा पुलिस वालों को मार दिया है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने कहा है कि TTP और पाकिस्तानी सेना की जंग में मारे हम जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारी जब भी इलाके में आते हैं तो वो यहाँ के लोगों से बदतमीजी करते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं। ऐसे में आम जनता का गुस्सा भी पुलिस को झेलना पड़ता है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने TTP को आर्मी के मूवमेंट की जानकारी देनी शुरू कर दी है। ऐसे में अब जब भी ISI का कोई बड़ा अधिकारी या सेना की गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा में गश्त लगाती है, उसकी जानकारी तुरंत TTP के पास पहुंच जाती है। TTP के लड़ाके सूचना मिलते ही सेना पर हमला कर देते हैं। पाकिस्तानी सेना भी कम नहीं है। सेना को जब भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान के पुलिस वालों को ठोक देते हैं।